जय श्री राम दोस्तों, जय भारत हिंदू राष्ट्र। और बहुत स्वागत है आपका रंजीत तंजोर आर्ट में। और ये 66 स्केच बना चुका हूँ, 66 स्केच का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और ये 67वां वीडियो बन रहा है। इस स्केच में जब अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर रावण को मिलती है तो वो पागल हो जाता है। रावण वो भी सोचता है कि ऐसा कौन वीर आ गया है। तो तब मेघनाथ आता है और हनुमान जी से काफी युद्ध होता है मेघनाथ का। और आखिर में जब मेघनाथ देखता है कि यार इस वानर से जीतना मुश्किल है, तो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं हनुमान जी को पकड़ने के लिए। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा न मिट जाए इसलिए हनुमान जी खुद बनना स्वीकार करते हैं और ब्रह्मास्त्र से बन जाते हैं। तो ये इस स्केच में दिखाया है कि मेघनाथ किस तरह से हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र छोड़ के और बांध देते हैं। तो ये हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मेघनाथ ने जो चलाया है उसके द्वारा बांध दिया है। और इस स्केच में यही दिखाया है। ये 67वां स्केच है और तो दोस्तों मेरे स्केच कैसे लग रहे हैं आपको, अपनी राय अपने सुझाव मुझे दें और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से, राम जी के चरणों में। ये मेरी पुष्पांजलि है, एक छोटा सा उनके लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। 108 पेंटिंग पूरी संपूर्ण रामायण समेट रहा हूँ, समेटने का एक कोशिश है मेरी, वो भी हनुमान जी की प्रेरणा से। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये हनुमान जी स्वयं करवा रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये संकल्प लिया है। इससे मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, किसी को बेचने के लिए पेंटिंग नहीं बनी मैंने, सिर्फ मेरा एक इमेजिनेशन था, इमेजिनेशन के हिसाब से बना रहा हूँ। किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ, किसी के ट्रेस नहीं उतार रहा हूँ। बस ये संकल्प था कि 108 पेंटिंग बनाऊंगा रामायण जी के ऊपर, जो कि अभी तक जिस तरह से मैंने बनाई है, बना रहा हूँ, वो कहीं भी नहीं बनी है। पहली बार बनी है ये इस तरह की पेंटिंग और पहली बार मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको कैसे लग रही है पेंटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपने संस्कार के हिसाब से चले, सनातन धर्म के हिसाब से चले और सनातन धर्म को का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करें, तभी हम सारे हिंदू जगेंगे। और जो संस्कार छोड़ चुके हैं बच्चे या बच्चे के माँ बाप या सारा समाज, वो तभी संस्कारवान बनेगा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं, मोदी जी योगी जी हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं। पर हर इंसान को भी प्रयास करना है, कोई एक इंसान ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक संकल्प है, बहुत बड़ा कार्य है। तो सारे समाज को जगना होगा, सभी समाज को एक प्रयास करना होगा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो और हम सनातन धर्म के संस्कारों को अपने जीवन में उतारें। तो इसी कड़ी में मेरा ये प्रयास है कि 108 पेंटिंग बना के और भगवान को अर्पित करूं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूं। ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है आप जरूर आप कमेंट्स करिए। और अब अगर आपको कोई पेंटिंग बनवानी हो मुझसे तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9313322431। और दोस्तों आप कहीं भी हो दुनिया में कहीं भी, और अगर आपको पेंटिंग आपको डर है कि पेंटिंग मेरे घर नहीं पहुंचेगी, तो सुरक्षित पहुंचाने की मेरी गारंटी है। बस आपको जो कोरियर का खर्चा वही देना है, बाकी कहीं भी हो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं और मुझसे पेंटिंग बनवा सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम 68वें वीडियो में। अगले स्केच के होते से 68वां वीडियो अपलोड करूँगा और उस वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म।